लोकसभा में 11वें दिन भी अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई और मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाए गए और हाथों में प्ले कार्ड्स और एहतजाज भी करने लगे थे। लेकिन लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने हाउस को 3 मरतबा मुलतवी किया, उसके बाद कल तक के लिए हाउस को मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन महंगाई और दीगर मसाइल को लेकर हुकूमत को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्पीकर ओम बिरला बार बार हाउस को मुलतवी कर रहे थे। 11 दिन से लोकसभा की कार्रवाई को अपोजिशन चलने नहीं दे रही है। लोकसभा में अपोजिशन लीडरान ने शदीद एहतजाज किया, उसके बाद निर्मला सीतारमन ने उन्हें करारा जवाब दिया, लेकिन कल तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत कई बिल्स पेश करने के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन अपोजिशन कार्रवाई को चलने नहीं दे रही है और लोकसभा में आज 11वें दिन भी अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज और लोकसभा की कार्रवाई को चलने नहीं दिया जा रहा था, जिसको देखते हुए लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने बार बार मुलतवी करते हुए कल तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। अंग बने जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहे, जो विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। पहली और दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि खंड एक अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड एक अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। श्री अधीर जी, जी अधीर रंजन सर, सर, दिस काइंड ऑफ लेजिस्लेशन विल ऑगर एन ओमिनस सिम्टम इन आवर कंट्री। दिस इज नथिंग बस ए सीरियस इंक्रोचमेंट अपॉन द जुडिशियरी। दिस बिल वायलेट्स द प्रिंसिपल। व्हाट इज दिस? माननीय मंत्री जी कुछ सर जी, सर आई एम सॉरी, आई लाइक टू रेस्पेक्ट एवरी वर्ड ऑफ वर्ड। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि बिल पास किया जाए। ठीक है जी सर, आई राइज टू मूव दैट द बिल बी पास्ड। प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 4 अगस्त 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बस चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार है, हम भी उन चर्चा के पॉइंट्स को सुनने के बाद जवाब देने का भी तैयार है, मगर मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि चर्चा में भाग लेने के बजाय उसको इतने सारे डिस्टर्बेंस करने का, उस डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इसीलिए मेरे दुख से ये कहना पड़ रहा है कि इस बिल का समय के आवश्यकता को जानते हुए, और समय का आवश्यकता इसीलिए है कि बहुत सारे केसेस ऐसे पड़ा हुआ है ये ट्राइब्यूनल के विषय के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके अपने जजमेंट दिए हैं। इस माहौल में हमने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस ले आए फरवरी में इस बिल को पेश करने के बाद, वो ऑर्डिनेंस को विड्रॉ करके अभी बिल ले आना चाह रहे हैं। अगर और बिल नहीं पारित होता, नॉर्मली ऑर्डिनेंस ले आना पड़ता है। ऑर्डिनेंस ले आने में भी ऑपोजिशन को सही नजरिया से उनको आपत्ति है कि क्या गवर्नेंस ऑर्डिनेंस के रूप में चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल जरूर कंसिडरेशन में आना चाहिए, चर्चा होना चाहिए और एक्ट के द्वारा गवर्नेंस होना चाहिए। मगर जब हम ऑर्डिनेंस को बंद करके कानून ले आने के लिए इस बिल को ले आ रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा ना करते हुए, मगर इसको पारित भी ना करते हुए ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास ले आने के लिए ऑपोजिशन का ये नोइंगली और अननोइंगली ठीक नहीं है जो कर रहे हैं। इसीलिए मैं ऐसे एक शुरुआत से ये विषय बोलना चाह रही हूँ। ऑर्डिनेंस में जितने भी विषय था वही इस बिल में है।
ऑर्डिनेंस में जितने भी विषय इन रिस्पॉन्स टू कोर्ट हमने किया वो भी इसमें है। इसीलिए समय को मन में रखते हुए जल्दी इसको पास करने के लिए मैं सबको हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्लीज इसको पास करिए। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया, अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड दो विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, खंड दो विधेयक का अंग बना। श्री एन के प्रेमचंद्रन जी सर, पांच सर, दिस ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल बाय विच 25 एक्ट्स यूज्ड टू बी अमेंडेड, लेट मी कम टू माय पॉइंट, 25 एक्ट्स आर बीइंग अमेंडेड बाय दिस। सी सर, सपोज आई एम आस्किंग नो द क्वेश्चन, इफ इन ऑर्डर टू आई एम नॉट सर 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 प्रश्न यह है कि श्री एन के प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 से 5 को स्वीकृत किया जाए, जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुए। प्रश्न यह है कि खंड 3 से 35 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ, खंड 3 से 35 विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ, पहली और दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ, खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। श्री अधीर जी, जी अधीर रंजन सर, सर, दिस काइंड ऑफ लेजिस्लेशन विल ऑगर एन ओमिनस सिम्टम इन अवर कंट्री। This is nothing but a serious encroachment upon the judiciary. This bill violates the principle. What is this? Mananiya Mantri ji, kuch sir. Ji. Sir, I'm sorry. I like to respect every word of what. Mananiya Mantri ji, prastav karenge bill pass kiya jaye. ठीक है जी सर, I rise to move that the bill be passed. प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 4 अगस्त 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।